जाना जाना है ना तुम्हें जाना जाना है ना और आगे की ओर देख सकते हो कुछ कुछ पापा के परिया लोग हैं और इधर आ रहे हैं अपने यार दोस्त लोग है ना और देखते हैं कितना मजा हॉल आता है कितना मजा आता है कितना। सो हे एवरीवन, आप सभी को मेरी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और अभी आ गए हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तो देख सकते हो इधर मेरे सारे फ्रेंड्स लोग और दोस्त लोग और इधर अपना नाम बता भाई और इंस्टा आईडी बता दो थोड़ा फॉलो और इधर अपना भतीजा नाम इंस्टा आईडी मेरा नाम सोनू है मेरा इंस्टा आईडी मिस्टर सोनू बाबू है। हाँ और इधर अपना समधी है भारत दिरकी है बाकी इनका इंस्टा आईडी है 12786। हाँ और नाम प्रकाश अजवाड़ी। हाँ इंस्टा आईडी मेरा क्रेजी बॉय 789। हाँ और इधर अपना भाई जो कि काफी ब्लॉग में आप लोग देख चुके हो बस करके बल्ले अपना भाई है बाकी इनका इंस्टा तो नहीं है ना। हाँ तो आप लोग को बता दूँ तो आज है आईफोन में शूट कर रहे हैं हम लोग इस ब्लॉग को क्योंकि अपना दोस्त का ही है फर्स्ट टाइम है आईफोन अपने और अपने पास आईफोन तो है नहीं और सारे दोस्त लोग अभी अपने इस ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और कुछ कुछ हैं जो कि आए थे पहले। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं काफ़ी आप लोग को वहाँ जा कर दिखाते हैं आज मूवी देखने जा रहे हैं कौन सा मूवी। आप लोग थंबनेल और टाइटल देखे तो ऐसे समझ गए होंगे और आप लोग को फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं वो अमलेश नागेश का एक मूवी निकला है जो कि ले शुरू हो गए माया की कहानी तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं कितना माहौल आता है कितना मजा आता है। आप लोग एंड तक देखते रहिएगा तो सारा कुछ देखने को मिलेगा और हम लोग को कितना मज़ा आता है आप लोग कितना मौज मस्ती करते हैं वहाँ जा करके आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी तो बहुत ही मज़ा आएगा हम लोग तो पहले से डिसाइड कर लिया है बहुत ही मज़ा आएगा बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अब और कितना एंजॉय करेंगे आज बहुत ज्यादा। अरे गजब का माहौल होगा आज है ना टाइट माहौल लेंगे तो हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं गाइस। आप लोग ब्लॉग पे बने रहे और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए चलिए निकलते हैं। ये है मूवी और ये अपना सिनेमा हॉल मैक्स मल्टीप्लेक्स और ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर बॉक्स जो कि यहाँ से हम लोग बुकिंग करा लिए हैं और ये देख सकते हो हम लोग का मूवी जो ये लगने वाला है ले शुरू हो गई माया की कहानी जो कि अमलेश नागेश का है और काफ़ी फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में और इन्हीं का छत्तीसगढ़ी आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि मूवी लगा है और हमारे इधर काफ़ी दोस्त लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और अपने दोस्त लोग इधर मिल चुके हैं और ये रहे हमारे बड़े भैया। हाँ तो सभी से हम लोग मिले बाकी अभी तो दो ही अपने भाई लोग मिले हैं बाकी अंदर जा कर के आप लोग को दिखाते हैं कि कितने लोग मिलते हैं है ना। बाकी तो मूवी देख सकते हो छत्तीसगढ़ी मूवी है कितना मज़ा आता है आप लोग को एंड में देखने के बाद आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग टिकट तो हम लोग पहले बुकिंग करा लिए थे क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगा था बहुत ही भीड़ होगा बहुत ही क्राउड होगा इसी की वजह से हम लोग पहले ही टिकट बुकिंग करा लिए थे देख सकते हो 6 जने का टिकट बुक हो चुका है। तो हम लोग अभी कुछ देर में चलने वाले हैं ताकि टाइम भी हो चुका है तो लोग तो बने रहिए अभी तक देखते रहिए और काफ़ी मज़ा आएगा जो भी मज़ा आएगा कैसा लगता है अंदर जाके आप लोग को बताइए कैसा मूवी आकर है मूवी है कैसा लगता है अपने अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगे तो चलिए बने रहिए हमारे साथ चलिए अंदर चलते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग के पास चेकिंग हो गया हम लोग के पास कुछ नहीं है बाकी हम लोग चलिए हाँ भाई हो गया और इधर आ जाओ आप लोग हमारे गांव के जाने पहचान हमारे मित्र हमारे किसी को पता नहीं है इसीलिए थोड़ा सा क्राउड कम देखने को मिल रहा है बाकी कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा आप लोग को
हमारे बड़े भैया है ना मान सिंह रास्ते जी हाय और इधर काफी हमारे कितना से जान पहचान वाले हैं डॉन है सब डॉन डॉन सभी भैया आए हैं तो बाकी अभी मूवी का एंजॉय करेंगे तो ब्लॉग मिलेगा कि और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो मूवी के टाइम पे तो सारा कुछ चलिए हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे तो आप लोग दिखाएंगे मूवी के टाइम पे ये बने रहिए आप लोग को बहुत ही मजा आएगा इस व्लॉग पे एंड तक प्लीज़ देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ देखिए सपोर्ट अपना दिखाइए अपने भाई को अभी अपने भाई को सभी को आ गया है और वेट कर रहे हैं बस कि बाकी लोग निकल जाए है ना तो चलिए ये रहा हम लोग का तो चलिए सभी को अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग भी एंटर करते हैं चलो चलते हैं इधर भाई भी मिल गए हैं तो चलिए चलो चलते हैं चलो सभी लोग संदीप इधर फोटो शूट हो गया तो ये रहा हम लोग का एंटर तो अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर की ओर बाकी हम लोग देख सकते हो गाइस हम लोग ऊपर के जा रहे हैं हाँ तो इधर का माहौल यार काफी इंटरेस्टिंग है ना तो इधर काफी लोग यहाँ पे लड़की लोग भी आ चुके हैं और ये रहा बड़ा सा स्क्रीन हम लोग का टिकट पहले दिखाते हैं ये रहा टिकट वाले भैया जो कि दिखाएंगे लाइन से है ना 6 लोग का ओ भाई ओ ये कहानी है तो मेरे प्रभु श्री तो हम लोग का ये रहा यहाँ पे है हम लोग का सीट जो कि लाइन से हम लोग का 6 लोग का है ये पूरा हम लोग का ही है बाकी यहाँ जो कि लोग लगा है और बहुत ही मजा आएगा है ना बहुत ही मजा आएगा बहुत और इधर अपने भाई लोग हैं और इधर अपने संदी लोग ओए संदी आज कितना मजा आएगा और देखो अभी उधर पीछे तक बहुत ही खाली है बाकी यहाँ पे कुछ कुछ क्राउड है भीड़ है और आगे की ओर देख सकते हो कुछ कुछ पापा के परिया लोग हैं और इधर आ रहे हैं अपने यार दोस्तों है ना देखते हैं कितना माहौल आता है कितना मजा आता है कितना इंटरेस्टिंग ये मूवी बना है बाकी देख सकते हैं और इधर अपने भाई लोग सभी को हम लोग के पीछे ही हैं है ना काफी एंजॉय करेंगे आज फुल मस्ती उतना ज्यादा भीड़ नहीं है क्राउड नहीं है बाकी सारा सीट खाली है अभी है ना काफी अपने पहचान वाले काफी लोग आए हैं और इधर भी बहुत ही भीड़ है ना बाकी देख सकते हो अभी खूब माहौल लेंगे और इधर हम लोग का मूवी स्टार्ट हो चुका है काफी देर के बाद हम लोग देख सकते हो हमने नागेश बहुत ही इंटरेस्ट आप लोग जान ही रहे होंगे मूवी के एंड तक देखते रहिए बाकी आप लोग को दिखाने का कोशिश करें बीच बीच का जहाँ पे अच्छा लगता है आप लोग को अभी हाफ टाइम हो चुका है इसी के वजह से हम लोग थोड़ा सा अपना जो पर्सनल यूज है वो सब कर रहे थे इसके बाद आप लोग से मिलते हैं और अभी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे आप लोग तो सारा वीडियो में आप लोग को दिखा नहीं पाए लेकिन आप लोग बता बहुत ही एंजॉय किए हम लोग और अभी सेकंड भाग तो बाकी है ना भाई योगेश हाँ। अभी कितना एंजॉय करना है अपने बहुत फुल अभी तो पूरा मूवी बाकी है ना तो बैठे थे बाबू जब तक हम स्कूल में पढ़ो तब तक वो हमन ला मिलेला नहीं दी तो कैसे करबो टाइम और बादला ध्यान से सुन स्कूल में हमन नहीं मिल सकत हमन एक ही जगह निश्चिंत होके मिल सकत है और वो जगह है कॉलेज जब हमन दोनों कॉलेज चले जाबो तब हमन ला मिले पर बाबू नहीं रुक सके तय तो इस साल चल देबे 12वीं पास करके कॉलेज ए तो यही चीज स्कूल में लटक जई ना ओकर बर भी एक प्लान है का प्लान है सुन अभी एग्जाम पर 2 महीना के टाइम है तय खूब मेहनत कर मन लगा के पढ़ाई कर महू तो ना पढ़ा और कैसे भी करके ये साल पास हो जा मान ले पास हो भी जही ते पास होके जही 12वीं में और ते 12वीं पास होके पहुंच जबे कॉलेज में तुम दोनों फिर अलग अलग हो जाओ
नहीं, मोर प्लान ये कि ये पास होके बारहवीं में पहुंचे और मैं फेल होके बारहवीं च मारा हूँ। तब फेल हो जावे? हाँ, मैं सोच डाल रहा हूँ कि ये साल मैं फेल हो जाऊँ, फिर हम दोनों एक साथ बारहवीं में पढ़ो और एक साथ बारहवीं में पास होके एक साथ कॉलेज जाओ। मैं तो कुछ भी कर सकता सूरजपुर का मॉल है आज फर्स्ट टाइम लगा है मॉल। भाई लोग आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, इस लड़के के साथ तुम अपनी मर्जी से भागी थी या ये तुम्हें भगा के ले गया था? अपनी मर्जी से भागी थी। तुमने विवाह इसके साथ अपनी मर्जी से किया था या इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। तुम इस लड़के के साथ रहना चाहती हो या अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो? मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। ज्योति शर्मा के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी विद्यासागर के साथ में भागी थी। चूंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए यह अदालत इस शादी को वैध करार देती है और इन सभी आरोपियों को छोड़ने का आदेश। तो फाइनली हम लोग का मूवी एंड हो गया है। और इधर अभी हम लोग बाइक वगैरह निकाल रहे हैं, तो अभी मैं पूछूंगा योगेश से। सबसे पहले तो योगेश से पूछना चाहूंगा मूवी कैसा लगा। झक्कास भाई, मजा आ गया। तो कहाँ का ऐसा लगा जो कि दिल छू गया? अरे भाई, इसको ब्रेकअप वाला देखा थोड़ा सा, जो लास्ट इमोशन सीन, जो मजा आ गया, और लास्ट जो बच्चा थोड़ा चट्टी वगैरह हो गया, वो मजा आ गया बस। अच्छा, और बाकी हमारे भाई लोग से पूछेंगे कैसा लगा मूवी। दिल खोल के माहौल, दिल छू दिया, माँ कसम मूवी दिल छू दिया। मूवी का क्या नाम है भाई? ले शुरू हो गया माया की कहानी, माँ कसम जिंदगी में नहीं देखे। और इधर अपने सभी लोग से जानना चाहूंगा कि मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? वो मजा मोहन। अरे कौन सा पार्ट अच्छा लगा संदीप? अरे क्या बताएं। बाकी आप लोग ब्लॉग पे तो देखे होंगे, बीच बीच का सीन आप लोग को दिखा दिया होगा। काफी एंजॉयमेंट था ये वाला मूवी, है ना संदीप? तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता पानी कर के। कहाँ जाना है अभी? अभी खर्चा पानी कौन करने वाला है? अपना भतीजा। और चलिए आप लोग को ये दिखा दे रहा हूँ, ये सूरजपुर का सिनेमा हॉल है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, ये मूवी हॉल से हम लोग। बाकी आप लोग को आगे चलते हैं, गेट पे दिखाते हैं आप लोग को कितना क्राउड है। बाकी उतना यहाँ अपने सरगुजा में क्राउड नहीं है, बाकी यहाँ कवर्धा हो गया, ये क्या बोलना, बिलासपुर वगैरह हो गया, रायपुर वगैरह हो गया, उधर काफ़ी भीड़ माहौल ऐसे आई मीन न्यूज़ वगैरह में सुने हैं। बाकी तो अपने को पता नहीं, हम लोग तो गए नहीं है उधर। तो अभी अपने सूरजपुर में उतना खास नहीं है, आज फर्स्ट टाइम लगा था ये वाला मूवी, है ना, अपने सूरजपुर में आज के अभी दिन चलेगा अभी ये हफ्ता भर। हाँ, तो बाकी देखते हैं, आप लोग को शेयर करते रहेंगे कैसा रहता है ना। हो सके तो हम लोग सेकेंड दिन भी लेके आ सकते हैं, हो सके तो आप लोग भाभी को भी लेके आएंगे, है ना। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, आगे चलते हैं हम लोग। और रहा यहाँ का सूरजपुर का पोस्टर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, है ना। हाँ, तो बाकी फ्रेंड्स लोग इधर बाय बाय कर रहे हैं। और यही अपना सूरजपुर का जो यहीं पे है अभी, जो कि 2-3 साल हो रहा होगा जो कि यहाँ पे बना हुआ है। सो अभी हम लोग आ गए हैं अभी संदीप लोग के रूम में, जो कि यहाँ पे काम वगैरह करते हैं। बैठे हैं सभी लोग रूम संदीप लोग के रूम में। और इधर भाई अभी हीरो वगैरह बन रहा है,
सो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले, तो ठीक है गाइस, अब इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।